कार समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबर। प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व बढ़ती महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस पार्टी ने सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पार्क से प्रदर्शन शुरू होते हुए लाइट चौराहे पर पहुंचा। इस दौरान महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर ने बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी और योगी की सरकार सो चुकी है, जिसको जगाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने कहा कि बेटी सुरक्षित रहेगी और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया था, लेकिन आज भाजपा शासन में चाहे उन्नाव की बेटी हो या हाथरस की बेटी हो, जिस तरह से लूट अपहरण और बलात्कार के मामले सामने आए हैं, वह महंगाई चरम सीमा पर है। छात्र परेशान है, नौजवान नौकरी को परेशान है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। करिश्मा ठाकुर, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस की और बुंदेलखंड जोन की। आज योगी सरकार और मोदी जी जो कि सो चुके हैं और बहरों को जगाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, तो आज कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। हम सभी लोग मोदी जी और योगी जी को उनके वादे याद दिलाने के लिए आए हैं। इन लोगों ने कहा था कि बेटी सुरक्षित रहेगी और इन्होंने कहा था कि क्या नारा इन्होंने दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज उन्नाव की बेटी हो हाथरस की बेटी हो, हम देखते हैं कि किस तरह अपहरण लूट और बलात्कार के मामले सामने आते हैं। आज महंगाई चरम सीमा पर है, छात्र परेशान है, नौजवान बेरोजगार है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी और जनता को जागरूक करने का काम कर रही है। क्या कर रहे हैं आपका? देखिए, आज महिला कांग्रेस के तत्वाधान में अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर इस सरकार को हिलाने के लिए आज हमारी महिलाएं सड़कों पर थी। उनका नारा था भाजपा गद्दी छोड़ो। आज चारों तरफ महंगाई की मार है, चारों तरफ युवा बेरोजगार है, घर में राशन नहीं है। उस तमाम मुद्दों को लेके, महिला सम्मान के मुद्दों को लेके आज हमारी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर जी यहाँ पर आई हैं और उनके नेतृत्व में एक जुलूस यहाँ पर निकाला गया है। आप देख रहे हैं कि आज पेपरों की सुर्खियाँ थी, उज्ज्वला योजना 2 का शुभारम्भ किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो आपको जनता को ठगने के लिए एक ना एक योजनाएं आप देते हैं जो बाद में जाकर टाएँ टाएँ फिस्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जो सिलेंडर पिछली बार उज्ज्वला योजना के तहत बटे थे उन्हें भरवाने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। महिलाएँ उन डिब्बे टीन के डिब्बे के रूप में उन्हें देख रही हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि महंगाई कम करें और महिलाओं का सम्मान करना सीखें। इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम लोग आज कह रहे हैं भाजपा गद्दी छोड़ो।